अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबका स्वागत है रूबीना के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा, मटर आलू दाल के कीमा। देखो गाइस, ये मैंने कीमा लेके आ गई हूँ। ये कीमा बच्चे का कीमा है, हड्डी वाला। ये आधा किलो कीमा और ये मटर, और इसके अंदर डालूंगी मैं आलू, कीमा, आलू और मटर। देखिए गाइस, जा रही पकाने। बिस्मिल्लाह बोल के गैस चालू कर दी। कड़ा एक ये कुकर रख दी हूँ। अब उसमें डालूंगी मैं 5 चम्मच तेल। ये मैंने छोटी छोटी थी 6 प्याज ले ली हूँ और 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली हूँ। अभी जब तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद ये प्याज डालूँगी। प्याज डाल लूँगी तो सूखा मसाला मैं बताती हूँ आपको। मेरी प्याज लाल हो गई, मैंने गैस स्लो कर दी हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी तो 1 मिनट ऐसा भूनूंगी क्योंकि इसकी थोड़ी सी रसायन घास निकल जाए। उसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी मैंने। डाल दूंगी मैं टमाटर, ये 3 टमाटर। और ये पाउडर मसाला ले ली हूँ। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब ये जब मसाला अच्छे से भून जाएगा उसके बाद में सूखा मसाला डाल। चालू करा गाइस, मेरा टमाटर अदरक लहसुन अच्छे से हो गया। अब मैं डालने जा रही हूँ ये पाउडर मसाला। एक मिनट भूनने के बाद में मैंने कीमा भी धो के रख दी हूँ। ये कीमा है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी कीमा। कीमा डाल के भून के गाइस, मैंने कीमा डाल दी मसाला। कीमा अच्छे से भून के इधर पे मेरे आलू मटर भी छील ली। हाँ, अभी जब कीमा थोड़ा दो तीन सीटी लगाऊंगी, थोड़ा नरम हो जाएगा कीमा, मतलब थोड़ा गल जाएगा, उसके बाद में डालूंगी मटर और आलू। अभी जो मेरा कीमा भून रहा है, भून के यही पानी में इसको दो अच्छे से भूनते रहूंगी उसके बाद में 2 सीटी लगाऊंगी इसके अंदर। 2 सीटी लगाने के बाद फिर आलू मटर डालूंगी। गाइस, मैंने पहला नमक नहीं डाली थी, अभी मैं डाल रही हूँ नमक। एक और 1/2 नमक डालूंगी। इसको अच्छे से भून लूंगी, भून के अच्छे से उसमें डालूंगी मैं आलू मटर। देखिएगा माशाल्लाह, मेरा कीमा अच्छे से भून गया। 2-3 सीटी लगा दी थी, अच्छे से भून गया। इसमें डालने जा रही हूँ मैं आलू मटर। आलू मटर अच्छे से भून के इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालूंगी। पानी डाल के सीटी लगा के 3 सीटी लूंगी, 4th सीटी में बंद कर दूंगी कि भाप में और थोड़ा अच्छे से गल जाएंगे। चार सीटी लूंगी।
देखिए गाइस माशाल्लाह मेरा सीमा हो गया। अब मैं जा रही चावल चढ़ाने, चावल में डालूंगी 1 चम्मच नमक और ये मेरा आटा, आटे में भी डालूंगी 1 चम्मच नमक। सीमा मेरा माशाल्लाह अच्छे से हो गया। अब सीमा उतार के मैं डालूंगी ये मेरी हरी धनिया। गाइस देखो माशाल्लाह मेरा खाना बन गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कीमा आलू मटर की सब्जी और कीमा उसमें डाली हूँ और ये चावल, ये रोटी। और जा रही खाना खाने के लिए, आप लोग भी आओ खाना खाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे लाइक करो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी वापस एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मेरे लिए पूरी अवाम के लिए दुआ करो। अल्लाह हाफिज़।